राम मंदिर अयोध्या का इतिहास एक इमारत के टूटने और फिर पुनः निर्माण तक नहीं सीमित है। राम मंदिर अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है। कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। ये मस्जिद न सिर्फ हिंदू वीरों की लाशों पर तामीर की गई थी, एक ऐसी सोच को हमारी सांस्कृतिक सोच से ऊपर रखने की कोशिश थी जो बेहद ही घटिया और निहायत ही नीच सांस्कृतिक सोच थी। जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां भाई भाई सिंहासन के लिए आपस में एक दूसरे को खून के प्यासे हैं, जहां अनेकों बिरादरों लुटेरों सरदारों ने अपने भाई बंधुओं को सरदारी के लिए मार दिया, कहीं बाप को बेटे की लाश तोहफे में दी गई तो कहीं भाइयों ने भाइयों का खून करके सिंहासन पर कब्जा पाया। ऐसी परंपरा जो भारत के सिवा विश्व में कहीं नहीं थी, जहां भाई भाई के लिए त्याग करता है, उस परंपरा को हत्यारों द्वारा रची गई परंपराओं के मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। जहां राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा का वचन देती हो, जहां चाहे वो शत्रु राज्य के ही नागरिक क्यों ना हो, ऐसी दुर्दांत और क्रूर शक्तियों का पदार्पण इस धरती पर हो चुका था, जहां बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया जा रहा था। कहां ऐसी परंपरा जहां आम जन को योद्धा युद्ध के बाद भी नुकसान नहीं पहुंचाते, जहां लूटमार नहीं होती थी। ऐसी परंपराओं ने यहां पर कदम रखा था, जहां लूटमार उनका धर्म, उनका पेशा और उनकी किताबें सिखाती थी। आपको क्या लगता है, हमने यूं ही मंदिर ढहाने दिया होगा? हमारे वीरों ने इनका सामना नहीं किया होगा? मंदिर में जितनी ईंट पत्थर नहीं लगे होंगे जितने हमारे वीरों ने इस मंदिर को बचाने के लिए अपने शीश कटवा दिए थे। कहानी शुरू होती है तब से जब एक हमलावर भारत में अपनी क्रूरता के दम पर सत्ता हथियाने में कामयाब हो जाता है। पर असल मकसद तो भारत में ऐसी परंपरा का प्रचार और विस्तार करना था, जहां किसी की जान लेने के लिए उसका मूर्ति पूजक होना ही काफी था। जहां किसी के अपराधों को सिर्फ इसलिए क्षमा कर दिया जाता है कि वह उनके मजहब का है, और वहां किसी निर्दोष को सिर्फ इसलिए मार देना काफी है कि वह उनके मजहब का नहीं है। ऐसी परंपराओं ने भारत में कदम रख दिया था, और यह मंदिर निर्माण की कहानी उससे भी कहीं पुरानी है। यह मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी हुई संरचना नहीं है, यह उन मानव मूल्यों को एक बार फिर से स्थापित करने की कोशिश है जो भारतीय भूमि से मिटाने की कोशिश की जा रही है सैकड़ों सालों से। अब चलते हैं अयोध्या और भगवान राम और इस मंदिर की कहानी की ओर। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व को उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में हुआ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। आक्रांताओं के आने से पहले यह हिंदू जैन और बौद्ध धर्म के सैकड़ों मंदिर और स्तूप थे। तथ्य कहते हैं विदेशी आक्रांता बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया गया। कालांतर में बाबर के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। कुछ लोग ये भी कहते कि बाबर का एक रखेल था जिसका नाम बाबरी था, उसी के नाम पर यह मस्जिद रखी गई, क्योंकि बाबर उस अपने पुरुष मित्र से बहुत ज्यादा प्रेम करता था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब राम जन्मभूमि मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्याम नंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय भीटी के राजा महताब सिंह बद्री नारायण ने मंदिर को बचाने के लिए बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। कई दिनों तक युद्ध चला और अंत में हजारों वीर सैनिक बलिदान हो गए और मंदिर को न बचा सके। इतिहासकार कनिंगम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 174,000 हिंदुओं के लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया था। अंदाजा लगाइए कितने ही वीरों ने एक एक पत्थर के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उस समय अयोध्या से 6 मील की दूरी पर सनेतु नाम के गांव के पंडित देवीदीन पांडे ने वहां के आसपास के गांवों सराय सिसिंडा राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रिय को एकत्रित किया और फिर से युद्ध हुआ। पंडित देवीदीन पांडे सहित हजारों हिंदू वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए और बाबर की सेना जीत गई, लेकिन प्रयास खत्म नहीं हुए, कोशिश का अंत नहीं हुआ। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने सिर्फ हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल और शस्त्रों से सुसज्जित सेना से रामलला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराज सहित जन्मभूमि के रक्षार्थ सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसावर ने अपने पति की वीरगति के बाद स्वयं जन्मभूमि की रक्षा के लिए कार्य को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया और 3,000 नारियों की सेना लेकर उन्होंने जन्मभूमि पर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा।
स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई। रानी जयराज कुमारी हंसावर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना ने इस युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और रानी जयराज कुमारी लड़ते हुए अपनी बची हुई सेना के साथ बलिदान हो गई और जन्मभूमि पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। मुगल शासक अकबर के काल में शाही सेना हर दिन के इन युद्धों से कमजोर हो रही थी, अतः अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर खस की टाट से उस चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति से कुछ दिनों के लिए जन्मभूमि में रक्त नहीं बहा। यही क्रम शाहजहां के समय भी चलता रहा। फिर औरंगजेब के काल में भयंकर दमन चक्र चलाकर उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। उसने लगभग 10 बार अयोध्या के मंदिरों को तोड़ने का अभियान चलाकर यहाँ के सभी प्रमुख मंदिरों और उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला। औरंगजेब के समय में समर्थ गुरु श्री रामदास जी महाराज के शिष्य श्री वैष्णवदास जी ने जन्मभूमि की मुक्ति कराने के लिए 30 बार आक्रमण किए। नसीरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि को पुनः अपने रूप में लाने के लिए हिंदुओं के 3 आक्रमण हुए, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीति, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियारा, अमेठी और राजा गुरुदत्त सिंह आदि सम्मिलित थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया और हजारों राम भक्तों का कत्लेआम मचा दिया। नवाब वाजिद अली शाह के समय में पुनः हिंदुओं ने राम जन्मभूमि के उद्धरार्थ आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा, इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात तक चलने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्रीराम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर से हिंदुओं का अधिकार हो गया। इतिहासकार करिंगम लिखता है कि अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा विध्वंस किए हुए चबूतरे को फिर से वापस पाया। चबूतरे पर 3 फीट ऊंचे खस के टाट से एक छोटा सा मंदिर बना लिया, जिसमें पुनः रामलला की स्थापना की गई। लेकिन बाद के मुगल राजाओं ने इस पर पुनः अधिकार कर लिया। एक बार से फिर से ध्वस्त करने की कोशिशें चलती रही। यकीन मानिए, ये एक मंदिर का ढांचा नहीं था, एक पूरी संस्कृति के विध्वंस और पूरे सांस्कृतिक सुदृढ़ता की लड़ाई चल रही थी, जहां पर हिंदू अपनी संस्कृति की एक एक इंच को बचाने में जुटा हुआ था और मुगल और मुसलमान आक्रांता उनकी एक एक इंच को विध्वंस करने में लगे हुए थे। 1853 में हिंदुओं का यह आरोप था कि भगवान राम के मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण हुआ। इस मुद्दे पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहली हिंसा हुई। इसके बाद सन 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर के समय में बाबा रामचरण दास ने एक मौलवी आमिर अली के साथ जन्मभूमि के उद्धार का प्रयास किया। कुछ कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह बात स्वीकार नहीं हुई और उनके विरोध के चलते 18 मार्च सन 1858 को कुबेर टेला स्थित एक इमली के पेड़ में दोनों को एक साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। विवाद के चलते 1859 में ब्रिटिश शासकों ने विवादित स्थल पर बाड़ लगा दी और परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दे दी गई। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने पहली बार इस मामले को फैजाबाद के न्यायाधीश पंडित हरिकिशन के सामने रखा था। इस मामले में कहा गया था कि मस्जिद की जगह पर मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता रहा। 1949 में भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। कहते हैं कुछ हिंदुओं ने ये मूर्तियां वहां रखवाई थी। मुसलमानों ने इस पर विरोध व्यक्त किया और दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। सरकार ने स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया। 1984 में कुछ हिंदुओं ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगवान राम के जन्म स्थल को मुक्त कराने और वहां राम मंदिर का निर्माण करने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाला था। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं को प्रार्थना करने के लिए विवादित मस्जिद के दरवाजे पर से ताला खोलने का आदेश दिया। मुसलमानों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए अभियान तेज किया और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखी गई। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 हजारों राम भक्तों ने मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा खड़ी की गई अनेक बाधाओं को पार कर अयोध्या में प्रवेश किया और विवादित ढांचे के ऊपर भगवा ध्वज फहरा दिया।
लेकिन 2 नवंबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों राम भक्तों ने अपने जीवन की आहुतियां दे दी। सरयू तट राम भक्तों की लाशों से पट गया। इस हत्याकांड के बाद अप्रैल 1991 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद लाखों राम भक्त 6 दिसंबर को कार सेवा हेतु अयोध्या पहुंचे। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी ढांचे को ढाकर समतल कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप देश भर में दंगे भी हुए। इसी मसले पर विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल, भाजपा नेता आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती सहित 13 नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। 6 दिसंबर 1992 को जब विवादित ढांचा गिराया गया, उस समय राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी। उस दिन सुबह करीब 10:30 बजे हजारों लाखों की संख्या में कार सेवक पहुंचने लगे। दोपहर में 12 बजे के करीब कार सेवक का एक बड़ा सा जत्था मस्जिद की दीवार पर चढ़ने लगता है। लाखों की भीड़ को संभालना सभी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। दोपहर के 3:40 पर पहला गुंबद भीड़ ने तोड़ दिया और फिर 5 बजने में जब 5 मिनट का वक्त बाकी था, तब पूरे का पूरा विवादित ढांचा जमीन दोज हो चुका था। भीड़ ने उसी जगह पूजा अर्चना की और रामशिला की स्थापना कर दी। पुलिस के आला अधिकारी मामले की गंभीरता को समझ रहे थे। गुंबद के आसपास मौजूद कार सेवकों को रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का साफ आदेश था कि कार सेवकों पर गोली नहीं चलेगी। 1527 से 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़ा था, जिसका पंडित देवीदीन पांडे ने नेतृत्व में युद्ध के रूप में पहला विरोध किया था। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जाने चली गई। इस पवित्र स्थल हेतु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, महारानी राजकुंवर तथा अन्य कई विभूतियों ने भी संघर्ष किया है। लेकिन इस लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो दिन आ गया जब भारत में श्री राम मंदिर की नींव रखी गई और एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और एक बार फिर से हिंदुओं और सनातनियों को उनका वह अधिकार वापस दिया जाएगा, जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने हजारों साल तक की है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।